जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, करे पहले नमन ज्योति बा को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को। सन 1800 की कहानी थी नारी परमा ज्ञानी, ना कोई पाठशाला थी, नारी घर में कैदी थी। मगर कैदी क्यों थी? क्योंकि महाराज मनु की बानी थी, न स्त्री स्वतंत्र मरहति। बाल विवाह की बलि नारी ही थी, पुनर्विवाह की उसे मना ही थी। नारी सती हो जाती थी, नारी सती हो जाती थी, चिता पे ढकेली जाती थी। उठे राजा राम मोहन रॉय, देख नारी संग होता अन्याय। बोले ईश्वर चंद्र विद्या सागर, लाओ पाबंदी बाल विवाह पर। सन 1800 की कहानी थी नारी परम ज्ञानी, ऐसे अंधियारे में जन्म दिया नारी मुक्ति को, और जन्म दिया नारी मुक्ति को। कर पहले नमन ज्योति बा को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को। सन 1848 आया, सन 1848 आया, और उसने विद्रोह का झंडा फहराया। अपनी पत्नी को पढ़ना सिखाया। लो ज्ञान कपाट खुले थे, रूढ़िदास बहुत ही जले थे। सैके पत्थर बोछार झेली गोबर की मार, सैके पत्थर बोछार झेली गोबर की मार। दिया पहला स्कूल बालिकाओं को, और जन्म दिया नारी मुक्ति को, और जन्म दिया नारी मुक्ति को। कर पहले नमन ज्योति बा को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को। हमला सनातनी ने बोला था, ज्योति बा ने डगमगाया था। अजी उसने अपने घर का हाउस दलितों के खातिर खोल दिया। नारी दलित और बहुजन समाज में बांट दिया जीवन को, और जन्म दिया नारी मुक्ति को, और जन्म दिया नारी मुक्ति को। कर पहले नमन ज्योति बा को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को। ज्योति बा अगर कर करवे सामाजिक सुधार में खटते, पंडिता रमाबाई में हमने देखी आशाओं की किरणें। और फिर क्या हुआ? शुरू हुई आजादी की लड़ाई, गांधी नेहरू की पुकार आई। नारी घर के बाहर निकली, नारी घर के बाहर निकली, और पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर जूझने लगी। अंबेडकर ने तो दलित स्त्री की अस्मिता जगा दी, और आज इन सबको स्मरण कर शपथ एकता की, नारी मुक्ति के हित लड़ने की। ले आज शपथ एकता की, दलित मुक्ति के हित लड़ने की। लेके एकता का हथियार हम हो समय पे सवार, लेके एकता का हथियार हम हो समय पे सवार। तोड़ डाले रूढ़ी के गढ़ को, करके पहले नमन ज्योति बा को, करके पहले नमन ज्योति बा को, कर पहले नमन ज्योति बा को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को, जिसने जन्म दिया नारी मुक्ति को। मुझे बहुत भाया भाया हा? और आपने यहाँ आके ये बताया, ये हमें भी बहुत अच्छा लगा। पर ये तो बताइए कि क्या क्या अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा। तुम्हारा गला सुरीला और गाना भी जोशीला, ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर अर्थ क्या वो अच्छा लगा? जरूर लगा। पिछले सदी का वर्णन जो तुम लोगों ने किया वो बिल्कुल सही किया, मगर आज हालात बदल गए हैं। लड़कियां पढ़ने लगी है, अलग अलग व्यवसायों में जिम्मेदार पदों पर काम करने लगी है। इतना ही नहीं, पिछले 17 सालों में हमारे देश की प्रधानमंत्री एक नारी थी। और ये तमाम हालात को बदलने के खातिर जिन महापुरुषों ने तन मन धन अर्पण किया, उन्हें कृतज्ञता से तुम लोगों ने अभिवादन किया, ये तो मुझे और भी अच्छा लगा।
अरे बहन जी, स्मरण तो करना ही होगा, बगैर स्मरण के कार्यक्रम कैसे शुरू होगा? खैर ये तो खैर ठीक ही है, मगर अगला कार्यक्रम तू ही बता। आप ही बताइए क्या होगा हमारा अगला कार्यक्रम। देखो हमने तो देखा है, हाँ? मर्दों के कला पथक में गर्ल के बाद ग्वाली नाती है। मथुरा के बाजार में जाती है दही दूध लेकर, और श्री कृष्ण उन्हें रोकते हैं। तुम ठहरी नारी मुक्ति वाली औरतें, तुम ग्वालिन की जगह ग्वालों को नचाओगी ही। ग्वालों को? बहन जी आपको ऐसा क्यों लगा कि हम ग्वालों से नाच कराएंगी? देखो हम अभी आ रहे थे ना, तो मालूम है सब लोग क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कह रहे थे ये नारी मुक्ति वाली औरतें, ये नारी मुक्ति के बारे में और क्या बताने चली। नारी मुक्ति यानी मर्दों की बराबरी, मर्दों से प्रतियोगिता, मर्दों के खिलाफ लड़ाई। नहीं 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 बहन जी, ये सब तो आपकी गलत फहमी है, और आप तब से हमें नारी मुक्ति वाली औरतें, नारी मुक्ति वाली औरतें कह रही है। हम क्या आपको औरों से अलग जान पड़ती है? हम भी तो आम औरतों जैसी है, घर गृहस्थी बाल बच्चे सब कुछ संभालती है, पेट भरने के लिए नौकरी करती है। हाँ कुछ बातें हमारा जी चलाती है और हमारे सामने सवाल बनकर आती है। सवालों की भली चलाई, सवाल तो सबके सामने है। पहला सवाल महंगाई का है। रेल का भाड़ा देखो कितना बढ़ गया है, सब्जी का भाव तो आसमान छूने लगा है, भ्रष्टाचार का भूत, बेरोजगारी की चुड़ैल और सांप्रदायिक झगड़े तो देश भर में फैल रहे हैं। सवाल बहन जी, ये सब सवाल तो आम जनता को सताने वाले हैं, लेकिन नारी जाति के कुछ अपने सवाल हैं, क्या उन्हें महसूस करती हैं आप? नारी जाति के काहे के सवाल, ये तो अबला जीवन की कहानी है, ये कड़वी तीखी कहानी नारी के जन्मते ही शुरू हो जाती है और तब भी खत्म होती है जब औरत की अर्थी निकलती है। अजी हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान किसी को औरत की जिंदगी न दे। और मुझे तो लगता है अगर मैं मर्द होती तो क्या बात थी। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, मुझे तो गर्व है कि मैंने एक नारी का जन्म पाया है। हाँ अब नारी जाति की कुछ अपनी समस्याएं हैं, लेकिन उन्हें हल करने के उपाय भी तो मौजूद है। और आप तब से हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री के बारे में क्या कह रही थी? यही कह रही थी कि आपकी संस्कृति इतनी श्रेष्ठ है कि आपने यहाँ एक नारी प्रधानमंत्री बन सकी। मगर उन्हीं के बारे में लोग क्या कहते हैं मालूम है आपको? क्या कहते हैं? कहते हैं अपने सब सहयोगियों में वही अकेली एक मर्द थी। बिल्कुल सही कहते थे, उनकी बहादुरी का डंका आज भी बजता है। वही तो कहती हूँ, बहादुरी का ठेका क्या सिर्फ मर्दों को मिला हुआ है? एकाध नारी जहाँ कहीं अपनी लियाकत दिखा दे, हमारा पुरुष समाज फौरन उसे मर्दानी कहकर अलग। नहीं नहीं एक औरत मर्द कैसे बन सकेगी, कैसी अजीब बात करती हो तुम। हमने कब कहा कि औरत मर्द बन जाए, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि समाज में औरत को भी मर्द के बराबर अवसर मिलना चाहिए। चाहिए? समान अवसर ये कैसे मिल सकेगा जब प्रकृति ने ही औरत को औरत और मर्द को मर्द बनाया है। तो प्रकृति की बात छोड़िए भी, क्या मनुष्य के बनाए भेद कुछ कम है? अच्छा ये बताइए आपके घर में जब बेटा पैदा होता है तो क्या बटता है? लड्डू। और बेटी पैदा होती है तो? बर्फी। देखा इसका मतलब है बेटी के जन्म से ही लेकर भेदभाव शुरू। देखो भाई हम हैं सास, हम हैं सास, हम ना बर्फी खाएंगे, हम ना बर्फी बांटेंगे। क्यों जी क्यों, क्यों जी क्यों? हमरी बहू के बेटी आई। हाय रे दैया, हाय मेरी मैया। सास जी ओ सास जी, इसमें मेरा दोष नहीं जी। चुप रहे। सास जी ओ सास जी, मुझ पे क्रोध न करिए जी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ऐसी गलती होने न दूंगी। हमारा था पहले से कहना, इस छोरी संग ब्याह न करना। क्यों? इसके घर में बहनों की जोड़ी सारी की सारी महानी गोड़ी असगुन वाली। सास जी ओ सास जी, आपके माँ को बेटी न होती तो मुझ पे ये रोने की कभी न नौबत आती। क्या भक्ति है? सास जी ओ सास जी, मैं भीख मांगती दया कीजिए, मेरा कहना इतना, आप कृपा कर कभी न भूले दादी पोती का रिश्ता। सुनिए
बेटा पैदा होना सिर्फ माँ पर ही नहीं बल्कि पिता पर भी निर्भर करता है। आज का विज्ञान यही कहता है। सुना आपने? आज का विज्ञान क्या ये कहता है? अगर हमारे वक्त ये मालूम होता तो मेरी सास ने मुझे दाग क्यों दिया होता? अजी मेरे भी शुरू शुरू में चार बेटियां आई, सबने मिलके ऐसी चिल्लको मचाई कि मेरी तो जान पे बनाई। मन्नत मानी थी मैंने गंगा मैया से कि मैया इस बार तो मुझे बेटा ही देना, 16 सिंगार कराऊंगी तेरे, मेरी आन रखना। मन्नत मानी थी मैंने गंगा मैया से कि मैया इस बार तो मुझे बेटा ही देना, 16 सिंगार कराऊंगी तेरे, मेरी आन रखना। तो बहन जी मन्नत काम आई? अरे कहां, पांचवी बार भी बेटी ही आई। अरे 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 बेटी आई। मैं कहां जाऊं बहना, मैं कहां करूं बहना, बेटी आई। वो भी मुझ पे गुस्सा होंगे, बेटी आई। सास को सेगी ससुर चिढ़ेंगे, बेटी आई। हाय बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। होली पूनम के रोज लाली गोदी में आई, होली पूनम के रोज लाली गोदी में आई। नारी जीवन का शाप माथे पे लिखवा के लाई, नारी जीवन का शाप माथे पे लिखवा के लाई। पूरी ससुराल ने चीख पुकार मचाई, पूरी ससुराल ने चीख पुकार मचाई। सारी अड़ोसी ने पड़ोसी ने भी आई, सारी अड़ोसी ने पड़ोसी ने भी आई। बोली लाली की विदा की बेला आई, बोली लाली की विदा की बेला आई। हद कर दी तुम लोगों ने। क्या तुम्हारी लाली तो अभी झूले पल्ले में और तुम कहती हो कि ससुराल विदा करने की बेला आई। हाय कक्की, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी। मगर क्यों? क्योंकि बेटी तो है पराया धन। ये तो ठीक है, बेटी तो है पराया धन। और आज नहीं तो कल अपनी जेब से रुपया डाल के करना ही पड़ता है कन्यादान। अरे 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 बेटी आई। मैं कहां जाऊं बहना, मैं कहां करूं बहना, बेटी आई। वो भी मुझ पे गुस्सा होंगे, बेटी आई। सास को सेगी ससुर चिढ़ेंगे, बेटी आई। हाय बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। हाय अमीर बाप ने कही। क्या कही? अमीर बाप ने कही, जायदाद का वारिस नहीं। ठीक तो है, मेरी जिंदगी भर की कमाई दामाद की होगी। अरे 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 बेटी आई। मैं कहां जाऊं बहना, मैं कहां करूं बहना, बेटी आई। वो भी मुझ पे गुस्सा होंगे, बेटी आई। सास को सेगी ससुर चिढ़ेंगे, बेटी आई। हाय बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। हाय बहन जी, ये तो आपने अमीर बाप की कहानी सुनाई। हाँ। लेकिन गरीब बाप भी यही चाहता है कि उसके घर भी बेटा पैदा हो। सो क्यों? क्यों गरीब बाप की यही कामना? सोचा बेटा होगा राणा, कट्टा कट्टा। सोचा बेटा होगा राणा, 10-15 साल का होते ही कमाने लगेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर क्या हुआ? बुढ़ापे की लाठी छिन गई। अरे 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 बेटी आई। मन्नत मानी तो भी बेटी आई, व्रत रखा तो भी बेटी आई, गंडा बांधा तो भी बेटी आई। हाय बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। हाय बहन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। सोच के जवाब देना बहन जी। अरे पूछो तो सही। अरे बहन जी, अगर दुनिया में इस तरह लड़के ही लड़के पैदा होने लगे तो इस दुनिया का कारोबार चलेगा कैसे? जवाब बिल्कुल आसान। वो कैसे? इसके लड़की पैदा होने दे, होने दे। इसके लड़की पैदा होने दे, होने दे। और बहन जी, हाँ, उसके भी लड़की पैदा होने दे, होने दे। ये तो ठीक है, इसके लड़की पैदा होने दे, उसके लड़की पैदा होने दे, और उसके भी लड़की पैदा होने दे। और बहन जी आपके यहाँ? मेरे यहाँ? हाँ मेरे यहाँ तो बेटा ही चाहिए।
देखा आपने, हर एक नारी यही चाहती है, मगर क्यों चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि बेटा वंश का दीपक कहलाता है। आहा हा हा, कितना उजाला कहलाता है। बेटा वंश का दीपक कहलाता है। हाँ। और बेटी के हाथ पीले करने को रुपया जोड़ना पड़ता है। अरे नहीं बहन जी, अपने लड़की को पढ़ाइए सिखाइए, उसे अपने पाँव पर खड़ी कीजिए। आप तो समझती ही नहीं। वो क्या, लड़की बेटी कितना ही पढ़े कितना ही लिखे, चाहे नौकरी भी करे, फिर भी मानी क्या, फिर भी दहेज से धुल जाता है घर भी। ये तो सही बात है। कोई सोने के जेवर मांगता है, मांगता है। कोई चांदी के बर्तन मांगता है, मांगता है। कोई पीतल के भांडे मांगता है, मांगता है। अरे अपनी अपनी औकात के मुताबिक मांगता है, मगर क्यों मांगता है? क्यों? क्योंकि उनके घर आया बेटा। हाँ। और हमारे घर बेटी आई, मन्नत मानी तो भी बेटी आई, व्रत रखा तो भी बेटी आई, गंडा बांधा तो भी बेटी आई। हाय बेटी आई है, बेटी आई है, बेटी आई है। हाय, देखा आपने कैसा हाहाकार मचता है जब घर में बेटी का जन्म होता है। सो तो है ही, बेटी ब्याह करके ससुराल चली जाती है, बेटा घर में बना रहता है, बहुत बड़ा सहारा है बेटा। अलावा बेटी चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, अपने पाँव पर खड़ी हो ले, शादी ब्याह के बाद अपने माँ बाप के लिए उसे कुछ भी करने की इजाज़त नहीं मिलती। ये हालत भी बदल रही है, लड़कियाँ पढ़ने लगी है, मगर उनका अनुपात कितना मामूली है। सन 1981 की जनगणना में बताया है कि 100 मर्दों में 46 पढ़े लिखे हैं, तो 100 औरतों में सिर्फ 24 पढ़ी लिखी है। हमारे यहाँ नारी शिक्षा को कोई महत्व ही नहीं देता। हाँ, क्या आप जानती है हमारे यहाँ राष्ट्रीयकृत बैंक जीवन बीमा जब विज्ञापन देते हैं तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टिंग टिंग। बचत कीजिए, सतत कीजिए, बचत कीजिए, सतत कीजिए, बेटी के ब्याह की खातिर और बेटे की शिक्षा की खातिर बचत कीजिए, सतत कीजिए, बचत कीजिए, सतत कीजिए। टिंग टिंग। बिल्कुल सही है, पैसा जमाना है तो बेटी के ब्याह के लिए और बेटे के पढ़ाई के लिए, इसमें गलत क्या है? इसी ख्याल के तहत तो नारी शिक्षा का सत्यानाश होके रह गया है। शिक्षा की रेल चली जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे, शिक्षा की रेल चली जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे। पैसे वाले छोरे देखो भीतर घुस से ही गए, पैसे वाले छोरे देखो भीतर घुस से ही गए, गरीबों के बच्चे देखो कैसे बाहर ही रहे, गरीबों के बच्चे देखो कैसे बाहर ही रहे। कितने छोरे चढ़ जाए आधे नीचे उतर आए, कितने छोरे चढ़ जाए आधे नीचे उतर आए। शिक्षा की रेल चली जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे, शिक्षा की रेल चली जाए रे, शिक्षा की रेल चली जाए। सारे स्टेशन आते जब रुक जाती गाड़ी, सारे स्टेशन आते जब रुक जाती गाड़ी, कभी पैसा कभी अड़चन बीच आ जाती है शादी, कभी पैसा कभी अड़चन बीच आ जाती है शादी। कितने छोरे चढ़ जाए आधे नीचे उतर आए, कितने छोरे चढ़ जाए आधे नीचे उतर आए। शिक्षा की रेल चली जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे, शिक्षा की रेल चली जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए। मेरी लाडली बेटी कहे कि मैया मेरा नाम लिखा दे स्कूल में, मेरी लाडली बेटी कहे कि मैया मेरा नाम लिखा दे स्कूल में, मैं कहूँ बहुत ही चाहूँ पर नाम लिखा दूँ कैसे स्कूल में। जब मैं जाऊँ मजूरी करने को तू जाएगी अपने स्कूल को, हम दोनों होंगे जब घर बाहर कौन देखेगा तेरे भैया को। बिट्टियाँ सुबह मेरी छाती फट जाए, बिट्टियाँ सुबह मेरी छाती फट जाए, शिक्षा वाली रेलगाड़ी सामने से निकल जाए, शिक्षा वाली रेलगाड़ी सामने से निकल जाए। मेरी बिट्टी घर से बंध जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे, मेरी बिट्टी घर से बंध जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे।
मेरी बेटी घर से बंध जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे। मेरी बेटी घर से बंध जाए रे, अरे शिक्षा की रेल चली जाए रे। कबड्डी 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 कबड्डी, माउट माउट माउट। ए छोरी, ये क्या तमाशा मचा रखा है? क्या तो कबड्डी, क्या तो माउट, ये है क्या? माँ, आज हमारी कबड्डी की मैच है, मुझे घर आने में 9:30 बजेंगे, तू फिक्र मत करना। तेरी बकबक रहने दे और तेरे पापा को घर आने दे, मैं तो साफ साफ कहने वाली हूँ, इसका खेलना कूदना सब बंद कराओ जी। क्या बात कर रही है फालतू में, बहस मत किया कर तू। अरे कितनी बार कहा तुझसे कि तू है लड़की, तुझे दिया बाती के पहले घर के अंदर होना चाहिए, क्या तू जानती नहीं बाहर की दुनिया कैसी है? लेकिन माँ, हम सब लड़कियाँ मिलकर जाती है, और माँ हमारी वो जो सुधा है ना। सुधा? उस सुधा के बारे में मुझे कुछ मत बता, मुझे नहीं सुनना है। अरे सुनो तो, परसों रास्ते ने एक लड़के ने सुधा को छेड़ा, और फिर? लेकिन उसने उसे तंगड़ी डाल के ऐसे चारों कोनों चित किया है कि हम वीर लक्ष्मी क्रीड़ा मंडल की खिलाड़ियां हैं, समझी? वीर लक्ष्मी क्रीड़ा मंडल की खिलाड़ियां, तुम लोगों का ये वाहियातपना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे नई नवेली उम्र में लड़की को चाहिए कि सज धज करे, इतराए, और तू है कि जब देखो शरारत। ये नहीं, कल से सूरज डूबते न डूबते घर के अंदर होना पड़ेगा। लेकिन माँ, बड़े भैया 10-10 बजे तक घर के बाहर रहते हैं, वो सब तुम्हें मंजूर है, और मुझे जरा सी देरी हो जाती है तो बिगड़ती हो, आंखें दिखाती हो। अरे बड़े भैया से बराबरी मत कर तू। लेकिन क्यों न करूँ? क्योंकि वो लड़का है। उसे क्या फर्क पड़ता है? अरे पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उसे पढ़ना है, उसे नौकरी करनी है, दुनियादारी सीखनी है, 2 साल की बात है, एक दफे तेरे हाथ पीले करा दूं तो हमारे सर का बोझ उतर जाए। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। कैसी बावली है तू, इधर आ, मेरी बात सुन। आज से तेरा छल कबड्डी, बाहर घूमना, ठीक ही हंसना, और लड़कों के संग बोलना। लेकिन माँ, मैं जाऊंगी कॉलेज में। अरे रखा क्या तेरे पढ़ने में? माँ मुझे नौकरी ही करना है, अपने पाँव पे खड़ा होना है। नहीं नहीं, नौकरी करना, ससुराल तुझे है जाना, ससुराल तुझे है जाना, ससुराल तुझे है जाना, ससुराल तुझे है जाना। मेरे भाई का जारी पढ़ना, बराबरी मत करना, उसे कल को नौकरी करना, इसलिए उसे खूब पढ़ना, इसलिए उसे खूब पढ़ना, इसलिए उसे खूब पढ़ना। तुझे घर में बैठ के रहना, ससुराल तुझे है जाना, तू अगर कॉलेज पढ़ लेगी, ज्यादा पढ़े वर की गरज होगी, ज्यादा पढ़े वर की गरज होगी, ज्यादा पढ़े वर की गरज होगी। वो शर्तें पेश करेगा, वो दहेज का सर पर होगा, हम डूब जाएंगे कर्जे में, हम डूब जाएंगे कर्जे में। इसे अच्छा बैठ तू घर में, इसे अच्छा बैठ तू घर में, इसे अच्छा बैठ तू घर में। माँ मेरा कितना ख्याल रखती हो, कहीं जाना हो अकेले तो जाने भी न देती हो। क्या तुझे बताऊं छोरी मैं, तुझे जुतना है गिरसी में, क्या तुझे बताऊं छोरी मैं, तुझे जुतना है गिरसी में, जब से हुई तू छोरी सयानी, तेरी शादी की चिंता समानी, तेरी उम्र है खतरे वाली, कर शील की हम रखवाली। नारी का शील जैसे कांच का बना है, जरा से धक्के में चूर चूर होना है। जुतना है गिरस्ती में, तुझे जुतना है गिरस्ती में, तुझे जुतना है गिरस्ती में, तुझे जुतना है गिरस्ती में। माँ मैं घर में बैठकर क्या करूंगी, घर के अंधियारे में मैं डूब जाऊंगी। पीढ़ी दर पीढ़ी यही डरा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही डरा रहा है, माता दादी और पर दादी ने सहा है, छोरी तुझे यही करना पड़ेगा, चूल्हा और बच्चा संभालना पड़ेगा, फालतू बातें पूछे ही मत, ऊंचे सुर में बोले ही मत, जोश में खाना मत इतराना, बरत लिया है भूल न जाना, औरत बन तू भूल न जाना। करूँ तो क्या? अरे बेकार परेशान हो
मैं बताती हूँ। है छोरी पेट बेसन पेट, घर में बैठ छोरी घर में बैठ। है छोरी पेट बेसन पेट, घर में बैठ छोरी घर में बैठ। कपड़े धो बर्तन मांज, बर्तन मांज छोरी बर्तन मांज, बर्तन मांज छोरी बर्तन मांज। रोटी से जूठन समेट, चावल पटक के गेहूं बिन। झाड़ू फुहारी लीपा दे, तुलसी मैया को पानी दे। बड़ पीपल को फेरी दे, बड़ पीपल को फेरी दे। करू पवास बरत भीरक, आज और कल समय सकल। नीचे मुंडी करके चल तू, इधर न देख तू उधर न देख तू। बरत लिया है कभी न छोड़ तू। पेट छोरी पेट बेसन पेट, घर में बैठ छोरी घर में बैठ, घर में बैठ छोरी घर में बैठ। इसी तरह लड़कियों को घर में बिठाया जाता है और सुबह शाम सुगड़ गिरस्तिन बनने की घुट्टी पिलाई जाती है। तो इसमें गलत क्या है? लड़की को आखिर दूसरे घर जाना है तो क्यों नहीं उसे सलीका सिखाया जाए? सिखाइए, जरूर सिखाइए, मगर ये तो बताइए, क्या आपका ये सलीका लड़की को खुद अपनी हिफाजत करना सिखाता है? क्या आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीना सिखाता है? सम्मान? लड़के का काहे का सम्मान? शादी हो जाने के बाद पति के मान में ही पत्नी का सम्मान होता है। देखो, मास्टर की पत्नी मास्टर आई, वकील की पत्नी वकील आई, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर आई। और बहन जी, अगर कोई लड़की खुद पढ़ लिख कर MBBS डॉक्टर बन जाए तो उसके पति को क्या कहेंगे आप? अब कहिए ना डॉक्टर। मर्द क्यों ऐसी बेइज्जती सहेगा? तुम लोग भी दून की हाकती हो, तुम अपनी संस्कृति परंपरा कुछ नहीं जानती। कभी सोचा भी है कि मनु महाराज ने अपने मर्दों के कंधे पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी रख दी है? बचपन में पिता बनकर, जवानी में पति बनकर, बुढ़ापे में बेटा बनकर मर्द औरत की रक्षा करता है। रक्षा? हा? क्या करता भी है मर्द हमेशा औरत की रक्षा? मंजूश्री सारणा की विवाह परांत 4 महीने के भीतर संदेहात्मक मौत, ऊना के अमीर खानदान की संतनी खेज घटना, दाल में नमक ज्यादा पड़ जाने के कारण संतप्त मजदूर द्वारा पत्नी की हत्या, संतप्त मजदूर द्वारा पत्नी की हत्या, दलित स्त्री के साथ बलात्कार, जमींदार का बेटा गिरफ्तार, जमींदार का बेटा गिरफ्तार। यवतमाल की आश्रमशाला में 16 आदिवासी लड़कियों पर बलात्कार, सुप्रिंटेंडेंट और रसोईया पर अभियोग, सुप्रिंटेंडेंट और रसोईया पर अभियोग। दहेज के कारण बहू को जला दिया, दहेज के कारण बहू को जला दिया, दहेज के कारण बहू को जला दिया। पुलिस थाने में बलात्कार, पुलिस थाने में बलात्कार, पुलिस थाने में बलात्कार। हत्या अत्याचार बलात्कार, हत्या अत्याचार बलात्कार, हत्या अत्याचार बलात्कार। वर का सेल, अपनी अपनी जात का दूल्हा हासिल करने का अंतिम और सुनहरा सेल। ऐसा मौका हाथ से जाने न दीजिए, जल्दी कीजिए फौरन से पेशतर सेल सेल सेल। अरे बेटी चल चल, अरे पर कहा? अरे झटपट तैयार होके आ, दूल्हों का बाजार लगा हुआ है, चल। बहन जी, हाथ मत लगाइए, दूर ही से देखिए। कैसा दिया दूल्हा राजा? महंगा है, आपको नहीं पुसाएगा। अजी वो हम देख लेंगे, पहले दाम तो बोलो। इसकी कीमत ना? इसकी कीमत है 75,000 कलदार। 75,000? अजी इसमें है क्या इतनी खास बात? अजी ये तो है ही खासम खास, डॉक्टर है डॉक्टर, और वो भी कैपिटेशन फीस वाला नहीं, वरना 4-5 लाख तो देने ही पड़ते। चल बेटी चल, यहाँ अपनी समाई नहीं होने की, चल। पहले ही बताया था, जाने कहाँ कहाँ से चल रहा है। क्या भाव है ये दूल्हा? ये दूल्हा ना, ये बैंक में नौकरी करता है। ओह, बहुत ही अच्छी नौकरी है,
फिर खर्चा कितना होगा? अब यूँ देखिए, ये बैंक में नौकरी करता है इसलिए मकान का लोन तो पा चुका है। ओ, इसका अपना मकान है। जी हाँ, मगर मकान सजाने के लिए सामान खरीदना है। अब सजावट का मामला है तो आके देख लीजिए। यानी 25-30 हजार का डॉल होगा, है ना बेटी? 25-30 हजार में क्या होने चला है? अब यूँ देखिए, हाँ? आप हैं लड़की वाले, हाँ? तो फिर दोनों तरफ का खर्च तो आपका ही, अलावा समदी समदिन का मान सम्मान, फूल पत्ती, बारात वगैरह वगैरह। अजी उनका भी इकलौता बेटा है 3 लड़कियों के पीठ का, वो भी आखिर हाउस मोच तो पूरी करेंगे ही, वरना कब करें? नहीं लेकिन बहन जी, हमारी भी और एक लड़की है इसके पीठ की, तो 5-10 हजार तो कम कर दीजिए। ये सब आपको बाजार में आने से पहले ही सोच लेना चाहिए था। आपको सस्ता दूल्हा चाहिए, हाँ? आप ऐसा कीजिए, हाँ? उस तरफ जाइए, वहाँ मिलेगा सस्ता माल। अगर तुम्हारी औकात नहीं तो खबरदार, जो हमारे वाले दूल्हे का ढक्कन खोला तो। जाने से पहले आपसे एक बात पूछें? हाँ पूछो। तब से देख रहे हैं ये दूल्हा कुछ बोलता नहीं है, क्या गुंगा बहरा है? नहीं, ये गुंगा है न बहरा है, वो तो बहुत फॉरवर्ड है, सुधारवादी भी है, लेकिन शादी और दहेज वाले मामले में बहुत आज्ञाकारी है, माँ बाप के कहने में है इसलिए चुप ही रहना पसंद करता है। चल बिट्टी, उस दुकान में जाएंगे जहाँ सस्ता दूल्हा मिलता है। आइए आइए, लगा आई पूरे बाजार का चक्कर। बिट्टी पीछे हट, देख भी ले दीजिए, हमने देखने के पैसे नहीं रखे हैं। ये बीए पास है और सरकारी कर्मचारी है। फिर दहेज? दहेज? बिट्टी दहेज नहीं चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं कि दहेज पर कानूनी पाबंदी लग चुकी है? हाँ हाँ, वो तो है। और ये ठहरा सरकारी कर्मचारी, वो भी ठीक है। अगर आप वरदक्षिणा की बात कर रही हैं तो फिर बात अलग है। वैसे स्त्री धन, संधियों की आवभगत, मान सम्मान, फूल पत्ती, सब मिलाकर 20 हजार तक पड़ेगा। 20 हजार? हाँ। क्यों, ज्यादा है? नहीं, लेकिन आपने क्या कहा, ये लड़का बीए पास है? जी हाँ। नहीं चलेगा। क्यों? हमारी बिट्टी भी बीए पास है। तो क्या? अजी अपनी तो राय ये है कि उम्र, लंबाई, शिक्षा और रुपया, इन 4 बातों में लड़का लड़की से 4 अंगुल बड़ा ही होना चाहिए। लेकिन क्यों? नहीं तो ये उसके सीने पर मूंग न डलेगी। ये नहीं बिट्टी, तू कुछ फिक्र मत कर, हम कहीं से कर्ज ले लेंगे, उधार ले लेंगे, लेकिन बैंक वाले लड़के को हाथ से नहीं जाने देंगे। चल। मकान की साफ सफाई का दौर शुरू हुआ, तकियों का गिलाफा बदला गया, भागम भाग का माहौल आया, हड़बड़ी मची और जी धूप पुकाया। बंगाली लाए या हलवा बनाए, बंगाली लाए या हलवा बनाए, इस पे जी हलकान हुआ। पास पड़ोस वालों ने खिड़की पर कब्जा किया, कब्जा किया, लड़की को हिदायतों का बंडल दिया गया। और अचानक बिगुल बज उठा, लड़की को देखने की खातिर लड़के वालों का जुलूस आया रे आया। सुनिए, बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार, 10 मिनट की बातचीत में जीवन साथी चुनने वाले, दहेज और अवमान के नाम पर रुकने वाले, वाद के राही, आधुनिकता का लिबास पहनने वाले वंश के दीपक पधार रहे हैं। तू 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 तू। जा रहे हैं। हमसे कोई गलती हुई? हम लड़के वाले हैं,
मगर हमारे आने से पहले ये तुम्हारी तरफ की बच्ची क्यों बैठ गई? हम इसे अपना अपमान समझते हैं। जा कलमू ही भीतर जा, फिर से ऐसा अपमान नहीं होगा। अब बिरा जी, ये तो ठीक है, बैठ। लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही, अब भी हाजिर हुई जाती है। बेटी आओ, बेटी हलवे की प्लेटें और चाय लेके बाहर। चाय में शक्कर कम पड़ गई है क्या? ये लड़की है, ये तो शर्माती ही नहीं, औरत जात और शर्म नहीं, जाने कैसा लगता है। आपने सलीका और शऊर नहीं सिखाया लगता। अरे ठीक से बैठ, कितनी बार कहा है। अच्छा पूछ ले, जो सवाल तुझे पूछने हो पूछ ले। कहाँ तक पढ़ी हो? बीए। बीए। नौकरी कहाँ करती हो? सरकारी दफ्तर में। सरकारी दफ्तर में। वेतन की स्लिप है? हाँ तैयारी रखी। प्रोविडेंट फंड से कर्ज लिया है, महीने के 75 रुपए कट जाते हैं। क्या करते, बड़ी लड़की के ब्याह के वक्त लेना पड़ा था, साल भर में चुकता हो जाएगा। वेतन कम ना हो जाएगा? महीने के 75 रुपए, शादी से पहले सारा कर्ज चुका दो। कैसे चुका दें? अब इस शादी का खर्चा भी तो उठाना है। तो फिर ऐसा कीजिए, इसकी शादी के बाद हमारे यहाँ माहवारी 75 रुपए भेज दिया करना। लगता है इन्हें मंजूर नहीं, चलो हम चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मंजूर है, क्या करेंगे, आखिर हम लड़की वाले हैं। अच्छा जेवर क्या क्या चढ़ाओगी? जेवर वही जो आमतौर पर चढ़ाए जाते हैं। नहीं ऐसे नहीं, पक्की बात करो। अब कम से कम 3 जेवर तो होने ही चाहिए, बुंदा कंगन नेकलेस बस। बुंदा कंगन नेकलेस, दोनों तरफ का खर्चा समझी समझियों की आओ बगर, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा बहन जी। देखो जी, अब बहू के जेवर हम तो पहनने से रहे, बहू ही पहनेगी, स्त्रीधन है। स्त्रीधन तो ठीक है, लेकिन इतना बगैर इतने के तुम्हें हमारा सोने जैसा बेटा नहीं मिलेगा, समझ लो। बेटा मेरा री, जमाई तेरा री, छोरी नाच री, छोरी नाच री। बेटा मेरा री, जमाई तेरा री, छोरी नाच 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 री, छोरी नाच, छोरी नाच री, छोरी नाच री, छोरी नाच री, छोरी नाच। बेटी मेरी री, बहू तेरी री, छोरी नाच री, छोरी नाच, छोरी नाच री, छोरी नाच री, छोरी नाच री, छोरी नाच। बेटा मेरा री, बहुत होशियारी, तनखा लाए 1500। बेटी मेरी री, सोन जूही री, वो तो चांदी की जैसे लहरी री, छोरी नाच। बेटा मेरा री, एमए पास है री, उसके शिक्षा पे रुपया बहाया री। बेटी मेरी री, अन्नपूर्णा री, जाने व्यंजन बनाना नाना री, छोरी नाच। जाने जाने तैसी और भी लाती, जाने जाने और अनजाने, जाने शाकाहारी, मांसाहारी, फलाहारी, सब कुछ जाने। बेटी मेरी री, सुघड़ बेटी री, वो तो जाने सारी दुनियादारी री, छोरी नाच। नौकरी करूंगी, नौकरी करूंगी, ना चाहो तो घर बैठूंगी, बैंक जाऊंगी, बैंक जाऊंगी, टैक्स भरूंगी, बच्चों का मैं होमवर्क लूंगी, पार्टी में मैं गाना गाऊंगी, पति
सेवक के हर इशारों पर नाचूंगी। बेटा मेरा री कैसा सतेजरी लेगा अच्छा खासा दहेजरी। छोरी दहेजरी छोरी दहेजरी छोरी दहेजरी छोरी दहेजरी छोरी दहेजरी छोरी दहेजरी। कहाँ तक पढ़े हो? एमए। वेतन की स्लिप लाए हो? जी। स्लिप वेतन की? नहीं। क्यों नहीं लाए? क्यों मान लिया कि हम नहीं देखना चाहेंगे वेतन की स्लिप? अच्छा, एमए में कौन सा डिवीजन पाया? डिवीजन याद नहीं। शायद थर्ड डिवीजन होगा, इसीलिए याद नहीं रहता। अच्छा, नौकरी के अलावा और क्या क्या करते हो? कोई शौक रखते हो? मैं कोई शौक नहीं रखता। नाटक संगीत कुछ भी नहीं? जी नहीं। तुम चाय बनाना भी जानते हो? हमारे घराने में मर्द चाय नहीं बनाते। तुम्हारे घराने में मर्दों को भूख लगती है ना? दो बार थाली सजाकर निगलते हैं या नहीं? ये भूल कर कि अपनी बीवी के लिए कोई चीज बाकी बची भी है या नहीं? मर्दों के बर्ताव का यही तरीका अपने यहाँ चला आया है सदियों से। किस किताब में लिखा है ये? वेदों में या मनुस्मृति में? मालूम नहीं, शायद मनुस्मृति में होगा। मनुस्मृति में ये भी लिखा है क्या कि औरत घर का पूरा काम करके बाहर नौकरी भी करे? कितने सारे सवाल कर डाले तुमने। नहीं री, ये सब सवाल करने की मेरी तबीयत तो हुई, लेकिन आखिर मैं भी रीति रिवाजों की शिकार हो गई और मैंने भी साथ फेरी दी। तदेव लग्नौ सुदिनं तदेव तारा बलं चंद्र बलं तदेव विद्या बलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। अरे बजाओ रे बजाओ। जाति पति घर को बेटी, मैया देती है सिखावन, यही कहलाती है रीति, यही नहीं हर का चलन। नए घर में सबको देना सच्चा प्यार और दुलार, जाना भूल अपने को भी और नैहर का दुआर। त्याग और मेहनत का ही नाम दूसरा है नारी, त्याग और मेहनत का ही नाम दूसरा है नारी। घर का चौका बासन करके बाहर करना तू चाकरी, आदत मैके की भुलाना, जीभ हिलाना ना लाली, वरना सहनी होगी तुझको नहीं
करके नाम गाली। तेरे लिए तलवार की धार सी है इकली राह, तेरे लिए तलवार की धार सी है इकली राह। बिट्टी मेरे चलना ऐसे मुख से न निकले आह, कितना भी सताए तुझको मारे यादें दाग बदन पर, लौट नहीं आना नहीं है पति का घर ही तेरा अब घर। लेकिन मैं ये क्या कह रही हूँ, अपने हाथों से अपने बेटे के लिए मैं नहर का दरवाजा बंद कर रही हूँ। नहीं, अब हमें और आपको मिलकर ये बदलना होगा। बेटी जरा भी सताए तुझको मारे यादे दाग बदन पर, बिट्टी लौट आना नहीं है खुला सदा मैया का घर। सुनो सुनो समधिन मेरी तुम्हें सौंपति बिट्टी को, सुनो सुनो समधिन मेरी तुम्हें सौंपति बिट्टी को। मारो नहीं दागो नहीं दाहो नहीं ना सताओ, मारो नहीं दागो नहीं दाहो नहीं ना सताओ, दाहो नहीं ना सताओ, दाहो नहीं ना सताओ। ऐसे पति घर आई अकेली, ऐसे पति घर आई अकेली रहन गई जब नई नवेली। राम का रगड़ा शुरू हो गया हंसना गाना हवा हो गया, हंसना गाना हवा हो गया। भोर में उठ के पानी भर के, भोर में उठ के पानी भर के नहा धो करके डिब्बा बना के भाग दौड़ में चली काम पर, चली काम पर। दिन डूबे घर वापिस आकर, दिन डूबे घर वापिस आकर कपड़े बदल कर कमर कसकर काम काज में हूँ लग जाती, हंसकर सबका स्वागत करती, हंसकर सबका स्वागत करती। इतना सब करके भी मैं तो लाते खाती, लाते खाती। इतना सब करके भी मैं तो लाते खाती, लाते खाती। क्या आफत है, अखबार तक शांति से पढ़ने नहीं देती। क्या है? आज से हफ्ते में 3 रोज मैं देर से घर लौटूंगी। ठीक है जी, क्या कहा जरा फिर से तो कहना। मैंने कहा हफ्ते में 3 रोज घर लौटने में देर होगी। क्यों, सहेलियों के साथ जाना होगा मटर गश्ती करने? नहीं जी, जब से आपने मना किया है कि नाटक में काम नहीं करोगी तब से मैंने सहेलियों के यहाँ जाना तक बंद किया है। मैं तो डिपार्टमेंट की परीक्षा में बैठ रही हूँ। क्या परीक्षा अरीक्षा की झाए झाए ले बैठी हो? क्यों जी, मैं प्रमोशन की कोशिश न करूँ? प्रमोशन, किस काम का प्रमोशन? रोटी पानी चाय नाश्ता बाजार बैंक बच्चों का स्कूल उनका होमवर्क मेहमानों की आवभगत, इतना सब कुछ करके मिलता हो प्रमोशन तो चाहे ले लो, वरना ये सब खटरा कौन करेगा? कौन मानी? मानी मैं अभी से कह देता हूँ मुझसे ये नहीं होगा। चाहो तो हो सकता है, ऐसे भी तो कभी कभी मदद करते हो तुम।
बस वैसे ही कभी कभी की बात और रोज रोज की बात और ये तुम्हारे जनाना काम रोज रोज कौन करेगा। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें परीक्षा में बैठने की जरूरत ही क्या है। मैंने आपसे कहा ना कि मैं ऊपर वाली पोस्ट पाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर वाली पोस्ट? शादी से पहले मैंने तुम्हें जता दिया था कि तुम्हारी नौकरी महज अदरक मिर्च के काम होगी। कल अगर घर गृहस्थी में बच्चों की देखभाल में अड़चने पैदा करेगी तो तुम्हारी नौकरी बंद। तब मैं थी एक अल्हड़ छोरी, नई नवेली दुल्हन, इसलिए आपकी हाँ में हाँ मिलाती गई। और अब मेरा वेतन सिर्फ अदरक मिर्च के काम का नहीं रहा, पूरे 1000 के ऊपर लाती हूँ मैं। हाँ वो तो खैर मान भी लिया, मगर ये भी तो सोचो कि कल अगर तुम्हें प्रमोशन मिलेगा तो ऑफिस में काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी, ज्यादा काम करना पड़ेगा तो घर लौटने में देर होगी। हाँ हो सकता है। सकता नहीं, होगा। और मुझे शाम को बाहर जाना होता है। बाहर याने यारबाशी के लिए ही ना, ताश फेंटने के लिए या दारू चढ़ाने के लिए? देखो मेरा पैसा और मेरा समय मैं जैसे चाहे बर्बाद करूँ, तुम कौन होती हो मुझे नसीहत देने वाली? आप तो बस चुप, ज्यादा बहस की तो दांत तोड़ दूंगा। माना जी से देवी उसकी आज क्या गति, माना जी से देवी उसकी आज क्या गति, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, खेतों खलिहानों में नारी खटती, मैटरनिटी छुट्टी नहीं तो भी खटती, पल्ला घर नहीं है फिर भी काम करती, संरक्षण नहीं है फिर भी काम करती, संरक्षण नहीं है फिर भी काम करती, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, कितनों को तो काम नहीं घर में है बैठी, बेकारी की दीमक उन्हें खाती ही जाती, घर के कामों को ये दुनिया काम ना कहती, बेकारों में नहीं होती उनकी गिनती, बेकारों में नहीं होती उनकी गिनती, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, पानी भरना मानी जाती नारी की ड्यूटी, पानी भरना मानी जाती नारी की ड्यूटी, घर में नहीं टोंटी फिर भी पानी भरती, कुआं नहीं पास फिर भी पानी भरती, नदी बहुत दूर फिर भी पानी है लाती, नदी बहुत दूर फिर भी पानी है लाती, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, अंधश्रद्धा औरत को ही खाए जाती, देवदासी कह के घर से निकाली जाती, और जटाऊगी कह के दुनिया दासी बनाती, लाके उसे चकलों में बिठाल देती, लाके उसे चकलों में बिठाल देती, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, समाज में छाई कैसी असंगति, समाज में छाई कैसी असंगति, औरत को माँ कह के सारी दुनिया पूजती, लेकिन माँ बेटी बहनों पे गालियाँ देती, विज्ञापन में भी नारी की होती दुर्गति, विज्ञापन में भी नारी की होती दुर्गति, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, मर्दों की आधी संख्या है आधी औरतें, मर्दों की आधी संख्या है आधी औरतें, फिर भी हालत आई अब नहीं आफते, फिर भी हालत आई अब नहीं आफते, पेट में बच्ची आए तो खत्म कर देते, पेट में बच्ची आए तो खत्म कर देते, मर्दों की सत्ता की देखो आज ये स्थिति, मर्दों की सत्ता की देखो आज ये स्थिति, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति, देखो नारी जाति की है आज क्या स्थिति। माँ ने तुम्हें बिट्टी इतना सिखाया, माँ ने तुम्हें बिट्टी इतना सिखाया, संस्कार ने तुम पे पक्का बनाया, फिर भी आँखों में आंसू क्यों आया, फिर भी आँखों में आंसू क्यों आया, क्या कहूँ रानी, क्या कहूँ रानी, मैं क्या कहूँ रानी, सुन के मेरी कहानी तेरी आंखों से झरझर बहेगा पानी, ब्याह किया शान से, ब्याह किया शान से, बड़ी धूमधाम से, ऊपर से मोटी सी दक्षिणा भी दी, फिर भी ससुराल की आस नहीं टूटी, लोभी के दहेज की मांग नहीं छूटी, लोभी के दहेज की मांग नहीं छूटी, कभी कभी जी में आता, कभी कभी जी में आता, ऐसा प्रतिकार करूं मैं, मन पर रखा मन पर बोझा झटके ऐसे गिरा दूं मैं, झटके ऐसे गिरा दूं मैं, कैसे तू प्रतिकार करेगी, कैसे तू प्रतिकार करेगी, कैसे तू प्रतिकार करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, जाके रहूंगी मैं, जाके ही रहूंगी, ख्याली गुलामी में छोड़ के रहूंगी, रूढ़ियों के बंधन तोड़ के रहूंगी, जाके रहूंगी मैं, जाके ही रहूंगी, रूढ़ियों की बेड़ी सदियों की बेड़ी तू तोड़ेगी कैसे,
रूढ़ियों की बेड़ी, सदियों की बेड़ी तू तोड़ेगी कैसे? तोड़ेगी तू फिर जिएगी तू कैसे? तोड़ेगी तू फिर जिएगी तू कैसे? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? बेटी तो सूरज, बेटी तो सूरज, बेटी के आगे सूरज भी फीका, बेटी के आगे सूरज भी फीका, उसे क्या करना है दहेज का टीका, उसे क्या करना है दहेज का टीका। दहेज की गढ़ी को ढाके रहूंगी, दहेज की गढ़ी को ढाके रहूंगी, जाके रहूंगी मैं, जाके ही रहूंगी। जाएगी कैसे तू अकेली पड़ेगी? जाएगी कैसे तू अकेली पड़ेगी? अकेले अकेले कैसे लड़ेगी? अकेले अकेले कैसे लड़ेगी? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? कहाँ जाएगी? कैसे जाएगी? अकेली मैं नहीं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ूंगी। मेरे साथ चलेगी सलमा, सलमा के संग आएगी नजमा। मेरे साथ चलेगी कमला, कमला के संग आएगी बिमला। मेरे साथ चलेगी रीना, रीना के संग आएगी टीना। हम सब मिलकर साथ चलेंगे, सुख दुख के हम साथी होंगे, रूढ़ियों के बंधन तोड़ के रहेंगे, सम्मानित जीवन जी के रहेंगे, सम्मानित जीवन जी के रहेंगे। जाके रहूंगी मैं, जाके रहूंगी, जाके रहूंगी मैं, जाके ही रहूंगी। क्या तोड़ पाएगी ये सारे बंधन? क्यों नहीं, जरूर तोड़ेगी। मुझे भी भरोसा है ये जरूर तोड़ पाएगी सारे बंधन। अगर मनुष्य अन्याय की चुभन महसूस करता है तो चाहे जिस कीमत पर प्रतिकार करने के लिए कमर कसता है। मैंने कहीं पढ़ा है, वह न सहेगी चुप न रहेगी, वह न सहेगी चुप न रहेगी, अपने हाथ बनाएगी वो अपनी भाग्य सुरेखा। और नारी जाति की इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए हमारी नारी मुक्ति आंदोलन की कुछ मांगे है। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हर औरत को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हर औरत को नौकरी चाहिए, उसे चाहिए समान वेतन, उसे चाहिए न्यूनतम वेतन, समान काम का समान वेतन चाहिए उसको, तकनीकी शिक्षण चाहिए उसको, तकनीकी शिक्षण। नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, हर औरत को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, हर औरत को नौकरी चाहिए, तो घर में कौन रहेगी, बच्चों की देखभाल कौन करेगी, माता के संस्कार कौन करेगी? बच्चे नहीं केवल माता के, हाँ। बच्चे नहीं केवल माता के, जैसे वे माता के वैसे ही पिता के, हाँ। बच्चों की जिम्मेदारी परिवार की और बच्चों की जिम्मेदारी समाज की, इसीलिए पलना घर चाहिए। बस्ती बस्ती में पलना घर चाहिए, नौकरी के ठौर पर पलना घर चाहिए, पलना घर चाहिए, पलना घर चाहिए, पलना घर चाहिए। महिलाओं के हॉस्टल हो, महिलाओं के हॉस्टल हो, महिलाएं जो नौकरी करती, महिलाएं जो शिक्षा पाती, कितनी महिलाएं रहती अकेली, कितनी महिलाएं रहती अकेली, जैसे नर्से ग्राम सेविका, उनके वास्ते हॉस्टल हो, महिलाओं के हॉस्टल हो, महिलाओं के हॉस्टल हो। नारी नहीं दासी, नारी नहीं दासी, नारी नहीं देवी, नारी नहीं दासी, नारी नहीं देवी, उपभोग की वस्तु नहीं होती नारी। नारी है मानव, नारी है मनुष्य, नारी है मानव, नारी है मनुष्य, नारी है मानव, नारी है मनुष्य। संविधान देता एक समान हक, संविधान देता एक समान हक, सब स्त्री पुरुषों को एक जैसा हक, इसीलिए सब स्त्री पुरुषों के लिए नया पारिवारिक कानून चाहिए, नया पारिवारिक कानून चाहिए, नया पारिवारिक कानून चाहिए। अगर ये मांगे मंजूर होगी, औरत भी इंसान बनकर जिएगी, अपने भरोसे पे आगे बढ़ेगी, अपने भरोसे पे आगे बढ़ेगी। ये कैसे होगा? संगठन चाहिए, संगठन चाहिए, एकता चाहिए, मांगों की पूर्ति को ताकत चाहिए, मांगों की पूर्ति को ताकत चाहिए। ये कैसे होगा जहाँ गरीबों के रास्ते में अड़चन, मेहनत का शोका होता है शोषण, वहाँ पे औरत इंसान बनकर जिए तो कैसे, ये होगा कैसे? संगठन चाहिए, संगठन चाहिए, एकता चाहिए, मांगों की पूर्ति को ताकत चाहिए, मांगों की पूर्ति को ताकत चाहिए।
काम श्रमिकों संग चले सही है, ध्यान रहे ये एक मंत्र ही राह मुक्ति के यही सही। Thank you.